इंटरनेट पढ़ाई पर कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री और सबसे पहले पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं रियल फंक्शन की। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इक्वल फंक्शन क्या होता है। इक्वल फंक्शन की मैंने तीन कंडीशन बताई थी कि एफ एंड जी, हमने वहां अज्यूम किया था कि अगर दोनों फंक्शन इक्वल कब होंगे तब उनका डोमेन बराबर होना चाहिए, को डोमेन बराबर होना चाहिए और एक्स एंड और वाई दोनों कॉमन क्या है, कॉमन डोमेन से बिलोंग करने चाहिए। यानी एक्स एंड वाई क्या है, सॉरी एफ एंड जी दोनों किसे बिलोंग करने चाहिए, एक्स से। अब बात करते हैं रियल फंक्शन की। रियल फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, इसका मतलब क्या होता है, ए टू बी, ए मैप्स टू बी, ए मैप्स टू बी मतलब क्या हुआ कि ए की, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पूरा ढंग से समझा रखा है, ए टू बी फंक्शन सच दैट ए टू बी मैप, इसका मतलब है कि ए मैप्स टू बी, यानी ए की प्रत्येक एलिमेंट के साथ बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ यूनिक इमेज है, तभी तो ये फंक्शन है, येस और नोट। मैंने आपको बताया था कि एक रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब ए के प्रत्येक एलिमेंट की बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या हो, यूनिक इमेज हो, येस और नोट। तो इस प्रकार डिफाइन है, इज ए कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन इफ बी इज ए सबसेट ऑफ आर, यानी जब वो आपका बी जो सेट है वो क्या होगा, अगर रियल नंबर का अगर सबसेट है तो वो क्या होगा, रियल फंक्शन होगा। बस इतनी सी बात है रियल फंक्शन में कि ए फंक्शन f such that a to b, यानी a maps to b और b एक ऐसा आपको जो सेट है वो उसमें आपको जो वैल्यूज होगी वो कौन सी मिलेगी, रियल वैल्यू मिलेगी। सेम करना वैसे ही है, सेम एक फंक्शन जो मैंने आपको समझा रखा है वैसा ही है, उसमें क्या होगा, इसमें जो b आपको दिया हुआ होगा वो उसमें हमेशा आपको रियल वैल्यू मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब डोमेन ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, सभी के एग्जाम्पल एक साथ कर लेंगे। अब आ जाओ डोमेन ऑफ ए रियल फंक्शन, तो किसी, मैंने आपको बोला था कि डोमेन हम फंक्शन और रिलेशन में डोमेन अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको रिलेशन में बताया था, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा डोमेन होता है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या होता है, रेंज होता है। जबकि फंक्शन में हम डोमेन एंड रेंज दो तरह से डिस्कस करते हैं। पहला, जब हमें कोई सेट गिवन है, जैसे आप, इससे पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे आपके पास कोई सेट गिवन है, मैं आपको मैप्स के थ्रू समझाता हूँ। आपको सेट ए दे रखा है और सेट बी दे रखा है, आपको और क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्रीवियस वीडियो में जा करके आप जो सेट्स के एग्जांपल है, यानी आपको ए एंड बी गिवन है मैप्स के थ्रू, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, अगर वहाँ पर आप जा करके देख सकते हो। फिर भी मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ ताकि इन इस तरह के एग्जाम्पल में और इस तरह के एग्जाम्पल में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा डोमेन कहलाएंगे। क्या बोला मैंने, ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन कहलाएंगे और बी के एलिमेंट्स को डोमेन कहलाएंगे। और बी के एलिमेंट में दो चीज़ें हैं, एक तो को डोमेन है, एक है रेंज। तो बी के एलिमेंट्स में डोमेन और सॉरी रेंज और को डोमेन क्या होगा, बी के एलिमेंट्स में जिन जिन एलिमेंट्स की मैपिंग हुई हो ए के एलिमेंट्स के साथ वो तो रेंज होगा, और सभी एलिमेंट, जरूरी नहीं है कि बी के सभी एलिमेंट्स की मैपिंग हुई हो, यस और नोट, यानी बी के टोटल एलिमेंट्स तो कहलाएंगे को डोमेन, और बी के जो एलिमेंट जिन जिन की ए के एलिमेंट्स के साथ मैपिंग हुई हो वो होगा रेंज। तो सपोज आपके पास ए दे रखा है 0 1 2 3 और बी दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये दे रखा है। सपोज आपने y इक्वल टू एफ ऑफ x मान लिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी जो आपके पास फंक्शन a टू b है, a मैप्स टू b, इसका मतलब क्या हुआ, a मैप्स टू b, तो y इक्वल टू एफ ऑफ x आपके पास x स्क्वायर है। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी 0 0 का 0 के साथ। फिर देखो f ऑफ 1 आपने पुट किया तो क्या आया आपके पास, 1 का स्क्वायर इज 1, ये आ गया 1, यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ। फिर देखो 2
2 पुट किया आपने जैसे ही, तो 2f ऑफ 2 कितना आया, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आया। तो 2 की मैपिंग किसके साथ होगी, 4 के साथ। जैसे ही आप 3 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 9। तो देखो पहले तो देखो यह क्या फंक्शन है, है क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट की b के एलिमेंट्स के साथ, प्रत्येक नहीं बोलेंगे क्योंकि सभी की मैपिंग नहीं हुई है, तो b के एलिमेंट्स के साथ यूनिक इमेज है। देखो जीरो का रिलेशन किसके साथ है, जीरो के साथ। वन का, वन की इमेज क्या है, वन है। टू की इमेज फोर है और थ्री की इमेज नाइन है। तो यह रिलेशन क्या है, फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि a के प्रत्येक एलिमेंट की b के एलिमेंट्स के साथ यूनिक इमेज है। यस और नो। अब देखो मैंने आपको दो बातें बोली थी कि जब आपको दो सेट अगर गिवन है तो जो सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, डोमेन। तो डोमेन यहाँ क्या है आपके पास, डोमेन। रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, डोमेन क्या आया, 0, 1, 2 और 3, ये आ गया डोमेन। अब रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो मैंने आपको बोला था कि रेंज वो होगा जो बी के एलिमेंट्स की मैपिंग हुई हो। मैपिंग किस किस की हो रही है, 0, 1, 4 और 9। तो रेंज क्या हो गया, जिन जिन की मैपिंग हुई हो, तो ये हो गया 0, फिर 1, फिर 4 और फिर 9, ये हो गया रेंज। अब कोडोमेन, अब कोडोमेन, तो ये बी के जो 0 से 9 तक जो एलिमेंट है वो हो गया कोडोमेन। तो कंफ्यूज मत हो जाना रेंज और कोडोमेन में, ये जो पूरे एलिमेंट्स हैं सेट बी के वो होता है कोडोमेन, और जिन जिन की मैपिंग हुई हो वो होता है रेंज। तो रेंज जिनकी मैपिंग 0, 1, 4, 9, ये हो गया रेंज। और कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन की, तो क्या हो गया, कोडोमेन क्या हो गया, ये 0 से 9 तक यानी बी सेट के सभी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होगा, 0, 1, 2 अप टू लिखी देता हूँ पूरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हो गया कोडोमेन। अब इस तरह से अगर आपको एग्जांपल देते तो कैसे निकालते हैं डोमेन और रेंज, मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ पूरा डिटेल से। तो ये तो क्लियर है आप सब लोगों को कि सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, डोमेन। अगर आपको दो सेट गिवन है तो सेट ए के एलिमेंट होगा डोमेन, सेट बी के जो एलिमेंट जिनकी मैपिंग हुई हो वो होगा रेंज, और बी के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, कोडोमेन। तो इनमें कन्फ्यूज मत हो जाना। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ गया होगा वीडियो, समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में के थ्रू आप फीडबैक दे सकते हो। चलो अब आ जाओ इस पे बात करते हैं। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्रीवियस वीडियो में जो इंट्रोडक्शन से लेकर के अभी ये इक्वल सेट तक के वीडियो है उनमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल करवाए हैं, तो आप पीछे जाकर के उनको ढंग से देख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं डोमेन ऑफ ए रियल फंक्शन। जैसे आपको ये फंक्शन दे रखा है तो इस तरह से दे दे तो आप डोमेन कैसे फाइंड आउट करोगे। मैंने आपको कल एक बात बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि इस तरह से आपको कोई फंक्शन दे दे तो उसमें हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें डोमेन हम वैसे फाइंड करेंगे कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब सभी वैल्यू रियल नंबर हम नहीं लिख सकते। बोले क्यों सर, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ x इक्वल टू माइनस टू पुट कर दूँ तो क्या यह पॉसिबल है, नहीं। देखो जैसे ही आप माइनस टू पुट यहाँ करोगे तो माइनस टू प्लस टू हो जाएगा यहाँ जीरो, यस और नो। और जैसे यहाँ अगर जीरो हो गया तो वन अपॉन जीरो हो गया इन्फिनिटी, यानी फंक्शन हमारा क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। और फंक्शन अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, यस और नोट। फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है तो हम यहाँ माइनस टू पुट नहीं कर सकते, और आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर लो मर्जी पड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ माइनस में भी पुट कर सकते हो, बट आप x इक्वल टू माइनस टू पुट नहीं कर सकते। क्यों, जैसे ही आप माइनस टू पुट करोगे तो यहाँ आएगा माइनस टू प्लस टू कितना हो जाएगा, जीरो, और समथिंग अपॉन जीरो या वन अपॉन, यहाँ x प्लस टू है, और जैसे ही आप माइनस टू पुट करोगे तो माइनस टू प्लस टू जीरो, वन अपॉन जीरो हो गया इन्फिनिटी, यानी फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो गया। तो आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट कर सकते हो विदाउट टू के द्वारा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, मैंने आपको डोमेन बताया था कि कौन कौन सी वैल्यू हम जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, डोमेन। देखो डोमेन इसका डोमेन हो गया r माइनस
टू। अब ध्यान से देखिए, ये आर है जो रिलेशन नहीं है, आर फ्रो क्या है, ये रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर, ये है रियल नंबर। आर माइनस टू क्यों किया मैंने, क्यों, क्योंकि आप माइनस टू को छोड़ करके, आर माइनस टू का मतलब ये होगा कि आप माइनस टू को छोड़ करके कोई भी वैल्यू यहां पुट कर सकते हो, यस और नो, और कोई रियल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 आप कुछ भी पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ इसको प्रॉब्लम हो रही है टू से, क्यों हो रही है, क्योंकि माइनस टू से, जैसे ही आप यहाँ माइनस टू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो आर में से जब आप ये माइनस टू घटा दोगे तो ये हो जाएगा इसका डोमेन। डोमेन क्या होता है कि जो जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, माइनस टू को छोड़ करके आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस टू, आर माइनस टू। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल आप एक बार पढ़ो, पढ़ लो, पढ़ लिया। तो x माइनस वन अपॉन x माइनस थ्री ये किस तरह का एक फंक्शन है, p अपॉन q या रेशनल फंक्शन बोल दो। सबसे पहला एग्जांपल क्या था हमारा, f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2 दे रखा था। तो उसका डोमेन मैंने आपको क्या बताया था, एक बार और क्लियर कर देता हूँ, डोमेन क्या आया था, r माइनस माइनस टू को छोड़ करके आप कोई भी वैल्यू पुट करो, तो इसका आंसर क्या आया, आर माइनस टू। आर मैंने आपको बोला था यहाँ रिलेशन नहीं है, क्या है, रियल नंबर, आप कोई भी रियल आपकी मर्जी पड़े माइनस टू के अलावा यहाँ पुट करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही फंक्शन को, यस और नो, किसी भी वैल्यू पर क्या है, ये डिफाइन है माइनस टू को छोड़ करके। मैंने बोला था माइनस टू क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ जब आप माइनस टू पुट करोगे तो माइनस टू प्लस टू क्या जाएगा, जीरो, और जीरो होते ही ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन से बचने के लिए। तो इसका डोमेन आपको मैंने आपको क्या बताया, R माइनस माइनस टू, माइनस टू हम यहाँ पुट नहीं कर सकते, तो इसका कोई भी रियल नंबर, यानी आपने रियल नंबर में से क्या कम कर दिया, माइनस टू, तो ये रियल नंबर है, ये क्या है, रिलेशन नहीं है, रियल नंबर है, रियल नंबर, ये हो गया रियल नंबर। रियल नंबर में से आप जब माइनस टू घटा दिया, मतलब क्या हुआ कि माइनस टू को, इसका मतलब ये हुआ माइनस टू को छोड़ करके, यानी रियल में से आप माइनस टू कम कर दो, इसको छोड़ करके आप कोई भी वैल्यू पुट करो आपकी मर्जी पड़े। तो मैंने आपको बोला था डोमेन क्या होता है, अपने कौन सी वैल्यू रख सकते हैं फंक्शन में, हम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, तो इस तरह से हो गया। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। ध्यान से देखिए, एक्स माइनस वन कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखो, अपने थ्री पुट नहीं कर सकते, बोले क्यों सर, जैसे ही आप यहाँ थ्री पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जीरो समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। तो यहाँ आप थ्री पुट नहीं कर सकते, तो कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो आप, आपकी मर्जी पड़े वो रखो, 0, 1, 2, 3 पुट नहीं कर सकते, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस वन माइनस टू कुछ भी पुट करो आपकी मर्जी पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन को डिफाइन हो रहा है, ये सो नोट, बस बट थ्री नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप थ्री रखोगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर जीरो होता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा, यस और नॉट। तो इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, डोमेन अपने कोई भी रियल नंबर रखें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट किसको छोड़ देंगे, थ्री को छोड़ देंगे, तो इसका डोमेन हो गया आर माइनस थ्री। मैंने डोमेन आपको बताया था कि हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रखो, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या माइनस वन माइनस टू कुछ भी रखो, बट थ्री को छोड़ना है, थ्री रखते ही है अनडिफाइन हो रहा है, इसलिए तो इसका डोमेन हो गया कोई भी रियल नंबर रखो विदाउट थ्री के। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट आपको दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू दे रखा आपको 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x
प्लस टू ये दे रखा है। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अब एक बात बताओ कि ये फंक्शन डिफाइन कब होगा। बोलो सर ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन होगा जीरो से। यस और नॉट, ये जीरो नहीं हो सकता, ये तो बात कन्फर्म है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे ही ये जीरो होगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। यस और नॉट, तो हमारी बात किस पे टिकी हुई है? इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी रियल नंबर रखो। तो देखो हमारा फंक्शन डिफाइन कब होगा? जब ये ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसके मैं फैक्टर कर लेता हूँ, फैक्टर आपके पास क्या है? एक्स माइनस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स और प्लस टू, ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से बता रखा है। ये सो नोट, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है फैक्टराइजेशन में तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले वीडियो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई देखो टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, और जब इनका एडिशन करोगे तो माइनस थ्री एक्स आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास आया एक्स कॉमन ले लिया एक्स माइनस वन, यहाँ आपने माइनस टू कॉमन लिया तो ये आया आपके पास एक्स माइनस वन। माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा। यस और नॉट, तो आपके पास आया इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपके पास एक्स के टू फैक्टर आ गए, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन। तो देखो एफ ऑफ एक्स टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन। आपको इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि मैंने फैक्टर क्यों किए, क्योंकि फैक्टर से अंदाज़ा लग गया अपने को कि अपने कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। यस और नॉट, अब एक बात बताओ आप यहाँ x इक्वल टू टू पुट नहीं कर सकते? बोलो क्यों सर, जैसे ही आप यहाँ टू पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। यस और नॉट, अगर ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट यहाँ क्या आने वाला है? जीरो। और जैसे ही डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है। यस और नॉट, आप सब लोग वाकिफ हो इस बात से? तो यहाँ आप एक तो टू पुट नहीं कर सकते, वन भी नहीं पुट कर सकते। बोले क्यों सर, आप जैसे वन पुट करोगे तो यहाँ एक्स इक्वल टू वन पुट किया तो वन माइनस वन क्या हो गया? जीरो हो गया, और जीरो इंटू समथिंग क्या हो गया? जीरो। फिर से डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, तो ये भी पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसके अलावा आप जीरो पुट करो, यहाँ जीरो पुट करो, थ्री पुट करो, फोर पुट फोर करो, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ फिर माइनस में कुछ भी वैल्यू पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम हो रही है इसको? एक तो टू पर प्रॉब्लम हो रही है, एक वन पे प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनो, टू पे तो रखोगे तो टू माइनस टू जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, मैंने बोला था आपको। फिर वन भी पुट नहीं कर सकते, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटू समथिंग फिर जीरो। तो डिनोमिनेटर जीरो होते ही फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ये सुनो, तो आप कोई भी रियल नंबर रखो तो ये आर क्या रियल नंबर, बट किसको छोड़ना है? टू एंड वन को। तो इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन, डोमेन मैंने बोला था कौन कौन सी वैल्यू हम रख सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो कोई भी रियल नंबर रखो, आपकी मर्जी पड़े, बट छोड़ना किसको? टू एंड वन को। टू एंड वन को क्यों छोड़ा? क्योंकि ये फंक्शन यहाँ अनडिफाइन हो रहा है। यस और नोट, तो इसका डोमेन हो गया आर माइनस टू कोमा वन। नेक्स्ट पे आ जाओ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बेझिझक मैं आपको वापस से समझाऊंगा अच्छे से, और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, और एक तो दे रखा है आपको फोर्थ में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस फोर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई भी रियल वैल्यू रखो। यस और नोट, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? कि ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इसके मैं फैक्टर कर लेता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस फोर है। बोलो सर ये तो फैक्टर करना आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था। यस और नोट, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस फोर एक्स प्लस फोर हो गया इक्वल टू जीरो, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई फोर एक्स स्क्वायर आ रहा है, और जब आप एडिशन करोगे तो माइनस फाइव एक्स आ रहा है। तो यहाँ से एक्स एक्स माइनस वन और माइनस फोर कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से आया आपके पास एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस वन। ये सो नोट, अब फैक्टर करना तो आपको अच्छे से आता ही। अब देखो यहाँ इसके फैक्टर मैंने क्यों किए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा यहाँ कि कौन कौन सी वैल्यू के इसको डिनोमिनेटर को फंक्शन को प्रॉब्लम हो रही है। तो एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस वन। अब देखो आप मर्जी पड़े आपकी कोई भी रियल वैल्यू रखो, बट आप फोर नहीं रख सकते। जैसे ही आप फोर रखोगे तो फोर माइनस फोर जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो।
तो डिनोमिनेटर जीरो होते ही हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। आप वन भी पुट नहीं कर सकते, वन माइनस वन जीरो, और जीरो होते ही फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। यानी आप कोई भी रियल नंबर रखो आपकी मर्जी पड़े, विदाउट फोर एंड वन के, वन एंड फोर नहीं रख सकते। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में चर्चाएं जारी रहेगी। थैंक यू। We'll be right back.